आजमगढ़ में एक ईंट भी कोई रखा है यहाँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने रखा। इनके पास भाजपा का कोई मुद्दा नहीं, ये तो केवल कहीं हिंदुत्व खतरे की बात करेंगे। मैंने वही पूछा था कि ये सिलसिला 22 में कितने वोटों के अंतर से कायम होने जा रहा है। अब देखिए वोटों का तब तक हम नहीं बता पाएंगे, मगर ये है कि जनता के बीच में आप जाएंगे तो खुद पता लग जाएगा। मैं पूरा आजमगढ़ पूर्वांचल को कोई भी आता है तो मुझसे निराश होकर आज तक नहीं गया। किसी समाज का हो, एक भरोसा मेरे में है कि मैं किसी की मदद करूंगा तो वो आदमी जरूर मेरी मदद करने का काम करेगा। इन्होंने किसान का ध्यान कहाँ दिया? ये तो किसान को गुलाम बनाएंगे जो काला कृषि काला कानून लाए थे। प्रयागराज में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, कैसे देखते हैं आप उसे? ये तो इनके अलावा क्या है, बर्बरता से लाठी मारे, हम तो मोबाइल पाया कि दरवाजा तोड़ तोड़ के मार रहे हैं। जब कोई अपनी नौकरी मांगेगा रोजगार मांगेगा तो वो लाठी खाएगा, यही तो पाया इनके सरकार ने, और मिला क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ रजत त्रिपाठी। आजमगढ़ सदर सीट एक ऐसी सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाने का पूरा श्रेय जाता है दुर्गा प्रसाद यादव जी को, क्योंकि 1985 से विधानसभा पहुंचने का जो सिलसिला शुरू हुआ सिर्फ 1993 में एक बार रुका, लेकिन वो 1993 के बाद फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2017 तक कायम रहा और 2022 के अब चुनाव है, तो ऐसे में ये सिलसिला कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बड़ा लंबा कारवा आपका चलता रहा, ये जो सिलसिला शुरू हुआ 1985 से 2022 में ये कायम रह पाएगा? देखिए 2022 में तो जनता समाजवादी पार्टी का गठबंधन की सरकार बना रही है, आज जितना जनता में आक्रोश है आज तक कभी नहीं हुआ था भाजपा की सरकार में। अब बात रही विकास की, तो जितना विकास सपा की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने करके दिखाया है पूरे प्रदेश में और आजमगढ़ में किसी सरकार ने नहीं किया है। जो आजमगढ़ में एक ईंट भी कोई रखा है यहाँ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में रखा गया है। तो इनके पास भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो केवल कहीं हिंदुत्व खतरे में बात करेंगे। 72 साल हो गया देश की आज़ादी के बाद, कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा, न कोई ऐसी बात रही। इन्होंने जात पात जात के आधार पर, कहीं किसी के आधार पर, कहीं मंदिर के आधार पर, कहीं मस्जिद के आधार पर ये चुनाव लड़ने का काम करते हैं। विकास का इनका कोई मुद्दा नहीं है, इन्होंने विकास के लिए कुछ किया भी नहीं। तो इसके बाद जनता इनको 2022 में इनका सफाया करेगी और सपा का गठबंधन जो है वो मिल करके सपा की सरकार 2022 में बनाएगी या माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव को बनाएगी। आप इस बार भी टिकट आपका फाइनल हो चुका है, इस बार चुनावी मैदान में है, मैंने वही पूछा था कि ये सिलसिला 22 में कितने वोटों के अंतर से कायम होने जा रहा है? अब देखिए वोटों का तब तक हम नहीं बता पाएंगे, मगर ये है कि जनता के बीच में आप जाएंगे तो खुद पता लग जाएगा मैं किस तरह से जनता के बीच में रह के काम करता हूँ, ये सभी लोगों को मालूम है। यही नहीं आजमगढ़ ही नहीं, मैं पूरा आजमगढ़ पूर्वांचल को कोई भी आता है तो मुझसे निराश होकर आज तक नहीं गया। किसी समाज का हो उसकी पूरी मदद किया है, एक भरोसा मेरे में है कि मैं किसी की मदद करूँगा तो वो आदमी जरूर मेरी मदद करने का काम करेगा। यही मैंने शुरू से किया है, जनता के बीच में रह करके जनता को सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, तो मुझे विश्वास है कि जनता आपकी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का काम करेगी। जब मैं आजमगढ़ घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये लगभग बात सभी को पता है। कई लोग मतलब कहते हैं कि अगर मैनपुरी इटावा सैफई जो है अखिलेश यादव मुलायम परिवार का अगर घर है तो आजमगढ़ निवासा है, मानते हैं आप? निवासा नहीं है ये, निवासा कहाँ इनका है, निवासा तो जनता बाटी आप, निवासा नहीं है उनका घर है, क्योंकि माननीय नेताजी ने कहा
माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा, जो देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, कि आजमगढ़ जिस तरह से मेरा गढ़ आपके बागपत है, उसी तरह से मेरा गढ़ आजमगढ़ है। जो बड़े नेता किसान नेता कहा, तब माननीय नेताजी उनके साथ रहने का काम किए। अब माननीय नेता जी ने कहा है कि मेरा अगर इटावा घर है, उसी तरह से मेरा घर आजमगढ़ का है और मैं आजमगढ़ को ज़्यादा अपना घर मानता हूँ। तो ऐसे ही माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये तो कहेंगे ही, कोई मुद्दा तो हुआ नहीं। ये तो कोई मुद्दा नहीं है, ये कौन मुद्दा है? निवासा है, अब प्रधानमंत्री गुजरात से चले आए, बनारस में क्या जरूरत थी उनको? तो ये सब चीजें राजनाथ सिंह यहाँ के हैं, चंदौली के लड़ रहे हैं आपके गाजियाबाद से, कहाँ उनका लड़का है पंकज, हाँ नोएडा से और कहाँ से? तो ये सब चीजें तो है नहीं, इस उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। आजमगढ़ उनका है, शुरू से समाजवादियों का गढ़ रहा है, चाहे आप चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे माननीय नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव रहे, आजमगढ़ के लोग बराबर उनके साथ रहने का काम किए। 22 चुनाव देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बड़ी सकारात्मक राजनीति कर रही है, इस बात को कहने मुझे संकोच भी नहीं है। देखिए, 300 यूनिट अगर बिजली बिल की माफ़ी हो, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो, ये अचानक ये सब मुद्दे जो आने लगे, जो घोषणाएं अखिलेश यादव जी करने लगे, वो कितना प्रभावी होंगी? क्योंकि ऐलान तो हो गया है, अब ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा? देखिए, बीजेपी सरकार से जनता है परेशान, किसान परेशान, महंगाई चरम सीमा पर गई, कड़वा का कीमत जो खाने पीने वाली चीज़ है वो उसकी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है, 200 रुपया से ज़्यादा हो गया है, 250 रुपया कितना है, और इस तरह का दाल से लेकर के कोई चीज़ सस्ता नहीं है। तो ये तो केवल कुल महंगाई करके जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। तो जनता जान चुकी है, जो स्कूल है कोरोना के नाम पर 2 साल से इनका विद्यालय बंद है। अब बताइए, जो नौनिहाल बच्चे हैं गरीब के, वो कहाँ, उनके पास मोबाइल है कहाँ, लैपटॉप है, कैसे पढ़ सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं, वो अनपढ़ बनाना चाहते हैं कि अनपढ़ रहेंगे तो हमारी बात को सुनेंगे। अब सपा की सरकार रही है तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए, गरीब के लड़कियों को पढ़ाने के लिए माननीय अखिलेश जी, माननीय नेताजी ने कन्या विद्याधन लागू करके 20,000 देने का काम किया था, अब बाद में उनको 30,000 रुपया बढ़ाने का काम किया था, और साथ साथ लैपटॉप देने का काम किया था। इसीलिए हमारे आजमगढ़ में लैपटॉप करीब 42-43 हज़ार लैपटॉप यहाँ भी मिला, पूरे प्रदेश में 18-20 लाख लैपटॉप देने का काम किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो घोषणा किया, जो संकल्प लिया, वो भी पूरा नहीं किया, वो चल में नहीं किया उस पर, ये क्या बात करेंगे? किसानों की एक बात कर लेते हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते होंगे, भ्रमण करते होंगे। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। वो मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो लगभग ये मान के चलिए कई लोगों का ये कहना है दोगुनी नहीं बल्कि आधी हो गई। पशुओं का एक बड़ा मुद्दा है, हमारा पशुओं ने फसलों को चौपट करना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों के पास किसानों के लिए क्या एजेंडा है? देखिए, जब जब सरकार बनी है तो माननीय नेताजी रहे तभी भी किसानों का के लिए योजना चालू करा करके उनको लाभ पहुँचाया, गन्ना का मूल्य बढ़ाया। माननीय अखिलेश यादव की सरकार रही, गन्ना का मूल बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने किसानों को ध्यान कहाँ दिया? ये तो किसान को गुलाम बनाएंगे, जो काला कृषि काला कानून लाए थे, किसान आंदोलन कर रहे हैं करीब एक साल हो गया, अब बॉर्डर पर आंदोलन किए, 700 किसान ठंडक में बीमारी से मर गए, तो इनको सुध नहीं आई। आज जब चुनाव आया है तो उनकी किसानों की सुध आ रही है। आज जो इनको जो कर रहे हैं लबकारी मूल देंगे, इन्होंने लबकारी बात दुगना आय करने की बातें छोड़िए, इन्होंने दिया क्या? किसानों को कुछ नहीं दिया। आज किसान धान लेके, गेहूं लेके, धान लेके घूम रहा है इधर उधर, कहीं मिल नहीं रहा। जो बिचौली लोग हैं, दलाल लोग हैं, वो जाके गांव में से खरीद रहे हैं, तो किसान तो परेशान है।
जब देखें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया पंजाब का, तो ये घबरा करके इन्होंने किसी कानून वापस लिया। आज जिन माननीय अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जा रहे थे रस लेकर के लेके गए, अपार भीड़ थी पूरा गाजीपुर से लेकर के, मैं उनके साथ था, गाजीपुर से लेकर के सुल्तानपुर होते हुए बाराबंकी फैजाबाद अम्बेडकर नगर होके जब लखनऊ गए 5 बजे भोर में, तो एक रिकॉर्ड कायम हुआ है देश की आज़ादी के बाद। इसलिए बीजेपी सरकार ही डर गई और इन्होंने कृषि कानून काला कानून वापस लिया। प्रयागराज में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है, कैसे देखते हैं आप उसे? ये तो इनके अलावा क्या है, बर्बरता से लाठी मारे, हम तो मोबाइल पाया कि दरवाज़ा तोड़ तोड़ के मार रहे हैं। जब कोई अपनी नौकरी मांगेगा रोजगार मांगेगा तो वो लाठी खाएगा, यही तो पाया इनके सरकार में, और मिला क्या? ये तो बहका करके झूठ बोल के इन्होंने सत्ता में आने का काम किया है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। और 2022 में सपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनेगा और विकास के रास्ते पर चलेगा। एक अंतिम सवाल, आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों के समीकरण कैसे देखते हैं, क्या नतीजे होने वाले हैं? देखिए आजमगढ़ कह दिए समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ किसी की दाल नहीं गलेगी। आपकी बात जो टिकट सोच समझ के दे रहे हैं, अब सभी सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूरे प्रदेश की जनता काम करने जा रही है। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दुर्गा प्रसाद यादव जी ने कहा कि 2022 में बदलाव होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।